गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम रवि गौतम, यू नो मी वेरी वेल। हम काफी दिनों से साथ हैं और ऑनलाइन पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है नसरुद्दीन सेन। सब टॉपिक है लेट्स पे एन एक्सरसाइज फ्रॉम नसरुद्दीन सेन। यहां एक ग्रिड बना है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं। सभी वर्ड्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। हमें एक ग्रिड को फिल करना है इन वर्ड्स की मदद से, तो हम अपना सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर सब टॉपिक। इस ग्रिड से हमें इस ग्रिड को भरना है। सभी ने कुछ ना कुछ गेम्स तो खेली हैं, खेलते भी हैं। सभी गेम्स आप जानते हैं, आपने टीवी में देखी है और आपने खेली भी है। क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल। हमें यहां से कोई भी एक वर्ड पिक करना है और इस इन टाइटल्स के हिसाब से उसको यहां फिट करना है। आप चाहें तो एक वर्ड को दो बार भी यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, क्रिकेट। फर्स्ट टाइटल है व्हाट यू प्ले विद। क्रिकेट को आप किस चीज के साथ खेलते हो? बैट। हमारे पास बैट बॉल है। बैट बॉल। वेयर यू प्ले, इसको आप कहां खेलते हैं, कहां देखते हैं? हम देखते हैं इसको स्टेडियम में। नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 11। गुड, सभी को मालूम है ना। सेकेंड गेम है हमारी हॉकी। हॉकी हमारी नेशनल गेम भी है ना। हॉकी आपने टीवी में देखी होगी यार। तो व्हाट यू प्ले विथ, किस चीज से खेलते हैं हम हॉकी को? हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक से। वेयर यू प्ले, इसको कहां खेला जाता है? ग्राउंड में। कितने खिलाड़ी होते हैं? नंबर्स ऑफ प्लेयर्स 11, लाइक क्रिकेट। थर्ड वन, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आपने देखी होगी, टेबल पे खेलते हैं उसको। एक सफेद बॉल होती है छोटी। तो व्हाट यू प्ले विथ, किस चीज के साथ खेलते हैं? आप खेलते हैं रैकेट के साथ। वेयर यू प्ले, कहां खेला जाता है? टेबल पर। टेबल पर बेसिकली ये इंडोर गेम है। और हाउ मेनी प्लेयर्स? 2 to 4, दो से चार तक। सिंगल में दो होते हैं और डबल्स में चार होते हैं। नेक्स्ट गेम है फुटबॉल। फुटबॉल तो सभी ने खेली है, सभी ने देखी है। तो किस चीज के साथ खेली जाती है? सबको मालूम है, बॉल के साथ। कहां खेली जाती है? ग्राउंड में। और कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ग्रिड फिल हो गया। अब हम इस ग्रिड के सारे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो इसी से रिलेटेड है। ग्रिड की सहायता से, जो ग्रिड अभी हमने भरा है उसकी, उसको देखते हुए अब हम हर गेम के बारे में तीन तीन लाइंस लिखेंगे। ये एग्जांपल दिया गया है, फिर भी हम इसको कर रहे हैं। फर्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम। क्रिकेट आउटडोर गेम है, यानी इस गेम को हम ग्राउंड में खेलते हैं, बड़े से मैदान में खेलते हैं। वी प्ले इट विद बैट एंड अ बॉल। हम इसको एक बैट और बॉल के साथ खेलते हैं। देर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम। इस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसी तरह से हम हॉकी, टेबल टेनिस और फुटबॉल के बारे में भी बात करेंगे और उनके बारे में भी तीन तीन लाइन्स लिखेंगे। अब आपको इस एग्जाम्पल को देख के उनके बारे में लाइन्स लिखना इजी हो जाएगा।
लेकिन फिर भी हम आपको उसको सॉल्व करके बताते हैं। और नेक्स्ट गेम इज हॉकी। हॉकी इज एन आउटडोर गेम, क्रिकेट की तरह हॉकी भी आउटडोर गेम है। वी प्ले इट विद द स्टिक एंड अ बॉल, हम इसको हॉकी स्टिक और एक गेंद के साथ खेलते हैं। देर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम, इस खेल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ। अब नेक्स्ट गेम इज टेबल टेनिस। टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम, ये बहुत बड़े ग्राउंड में नहीं खेली जाती, एक टेबल पे जहां भी टेबल रखा जा सकता है वहां इस गेम को खेला जा सकता है। वी प्ले इट विद अ रैकेट एंड अ बॉल, हम इसको एक टेनिस रैकेट और एक बॉल के साथ खेलते हैं। देर आर 2 or 4 प्लेयर्स इन द गेम, इस खेल में 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं। अवर नेक्स्ट गेम इज फुटबॉल। फुटबॉल आप सबने खेली है ना और देखी भी है, एक लेदर बॉल होता है। फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम, फुटबॉल एक आउटडोर गेम है जो एक बड़े ग्राउंड में खेली जाती है। वी प्ले विद अ बॉल, हम इसको एक बॉल के साथ खेलते हैं। देर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम, इस खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। ये तो हमने 3 या 4 गेम्स ली थी। इसी तरह से आप प्रैक्टिस के लिए कुछ और गेम्स ले सकते हो, आप चाहें तो लोकल गेम्स भी ले सकते हो, जैसे कबड्डी है, खो खो है जो आप लोग खेलते हो, बैडमिंटन है, और उनको इस तरह के सेंटेंसेस में चेंज करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।